दोस्तों क्या आप ग्रेजुएट हो क्या आपने एम बी ए सी ए आई सी डब्ल्यू ए किया है अगर हाँ तो ये वैकेंसी आपके लिए ही है दोस्तों यहाँ पे सैलरी आपको मिल जाएगी सिक्सटी सेवन थाउजेंड फोर हंड्रेड ट्वेंटी वन रुपीज़ की और इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों आज हम जानेंगे इसके ही कंप्लीट डिटेल और आपको बताएंगे कि इसका फॉर्म कैसे भरना है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए अंत तक लेकिन सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चलिए जानते हैं इसके कंप्लीट डिटेल अपने वेबसाइट पर चलकर दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के डिपार्टमेंट से जी हाँ ये ऑल इंडिया की वैकेंसी है आप चाहे किसी भी स्टेट में रहते हो आप इसका फॉर्म भर सकते हो और यहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भरना है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर दोस्तों यहाँ पे पोस्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की टोटल वैकेंसी एक और इसके लिए सैलरी आपको मिलती है अप्रॉक्स 67,421 सेवन पर मंथ की अगर हम बात करते हैं इसके आयु सीमा की तो यहाँ पे आयु सीमा मांगी गई इक्कीस से सैंतीस साल जनरल के लिए ओ के लिए इक्कीस से चालीस साल वहीं एस सी के लिए इक्कीस से बयालीस साल अगर हम बात करते हैं इसके एडुकेशनल डिटेल की तो इस वैकेंसी के लिए ग्रेजुएट विथ एनी ऑफ दिस सब्जेक्ट इंक्लूडिंग कॉमर्स इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स वाले अप्लाई करेंगे साथ ही एम बी ए फाइनानस सी ए आई सी डब्ल्यू ए और सी एस होना जरूरी है यहाँ पे सिलेक्शन बेस्ट रिटर्न एग्ज़ाम इंटरव्यू पर और अप्लीकेशन फ़ी से जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी के लिए छः सौ रुपये वहीं एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी फीमेल के लिए डेढ़ सौ रुपये दोस्तों यहाँ पे जॉब लोकेशन रहेगा बिहार और इसको अप्लाई करने का डेट है 17 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच में और इसको अप्लाई करने का लिंक आपको मिल जाएगा पहले कमेंट में साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही जय हिंद वंदे मातरम